हियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी। तो आज का मेरा टॉपिक है सिनोनिम्स, जिसमें इससे पहले भी वीडियो सिनोनिम्स की आ चुकी है, वहां जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, मेरा पहला वर्ड है इम्पेडिमेंट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इम्पेडिमेंट, क्या होता है इम्पेडिमेंट के मीन्स? तो इम्पेडिमेंट मीन्स होता है बाधा, रुकावट, अवरुद्ध। तो बैरियर, हैसल, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, हैंडीकैप, डिट्रेंट, तो ये इम्पेडिमेंट के सिनोनिम्स हैं। यानी बैरियर मीन्स बाधा, हैसल परेशानी बाधा, ऑब्स्टेकल मीन्स बाधा, हिंड्रेंस, हैंडीकैप, डिट्रेंट बाधा, रुकावट। तो ये सारे वर्ड जिसके माने होता है बाधा, रुकावट, तो इनको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वर्ड है। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा मीनिंग है एडुलेशन। तो क्या होता है एडुलेशंस मीन्स? तो एडुलेशंस मीन्स बहुत ज्यादा तारीफ करना, यानी इतनी ज्यादा तारीफ करना कि वो चापलूसी हो जाए, चापलूसी बन जाए। यानी एडुलेशंस मीन्स बहुत ज्यादा तारीफ, यानी चापलूसी। तो सिनोनिम इसका है ब्लैंडिशमेंट, फ्लैटरी, साइकोफैंसी, फॉनी, ऑब्सीक्वेसनेस, कैजुअलरी। यानी कैजुअलरी माने बहुत ज्यादा मनाना, फुसलाना, वो फ्लैटरी करना, ब्लैंडिशमेंट करना, इस सब के माने होता है फ्लैटरी करना, यानी चापलूसी करना, बहुत ज्यादा तारीफ करना। तो फिर से देखते हैं, एडुलेशन माने बहुत ज्यादा तारीफ करना यानी फ्लैटरी करना, ब्लैंडिशमेंट फ्लैटरी करना, चापलूसी करना फ्लैटरी, साइकोफैंसी मीन्स चापलूसी करना, फॉनिंग, ऑब्सीक्वेसनेस और कैजुअलरी, बहुत ज्यादा तारीफ यानी चापलूसी करना। तो इनको बहुत से अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छी अच्छी वर्ड्स मीनिंग है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो एब्लूशन, एब्लूशन माने क्या होता है? वॉशिंग यानी धोना, शुद्धिकरण करना, प्यूरिफिकेशन, परगेशन। तो एब्लूशन माने क्या होता है? परगेशन, प्यूरिफिकेशन, वॉशिंग, शुद्धिकरण। वहीं पर दूसरा मीनिंग है मेलोडियस। मेलोडियस माने क्या होता है? सुरीली आवाज, मधुर आवाज, प्लेजेंट वॉइस, हारमोनियस, तालमेल, डल्सेट, बहुत ही मधुर आवाज, बहुत ही प्लेजेंट आवाज। मेलिफ्लुअस, मेल माने क्या होता है? शहद। मेलिफ्लुअस बहुत ही मधुर आवाज, बहुत ही सुरीली। तो मेलोडियस, हारमोनियस और डल्सेट, मेलिफ्लुअस, ये सब इसके सिनोनिम है। वहीं पर पहले ऊपर वाला देखिए, एब्लूशन, वॉशिंग, प्यूरिफिकेशन, परगेशन, इसके माने शुद्धिकरण, और दूसरा मीनिंग है मेलोडियस, हारमोनियस, डल्सेट, मेलिफ्लुअस, इसके माने सुरीली आवाज, मधुर आवाज, प्लेजेंट वॉइस। तो चलिए आगे देखते हैं। डिजास्टर, क्या होता है डिजास्टर? मींस परेशानी, मुसीबत, दुख, मिसफॉर्च्यून, एडवर्सिटी, मिजरी, कैलामिटी, मिसहैप, कैटास्ट्रॉफी। तो इन सब के माने होता है दुख, मुसीबत, परेशानी। फिर से देखिए, डिजास्टर मींस होता है परेशानी, दुख, मुसीबत, मिसफॉर्च्यून, एडवर्सिटी, मिजरी, दुख, कैलामिटी, परेशानी, दुख, मिसहैप, कैटास्ट्रॉफी, दुख, परेशानी, मुसीबत। तो इन सब के माने होता है दुख, परेशानी, मुसीबत। वहीं पर दूसरा वर्ड है जिजेंटिक। क्या होता है जिजेंटिक मीन्स? जिजेंटिक मीन्स होता है विशाल, ह्यूज, इनार्मस, इमेंस, मॉन्स्ट्रस, यानी इन सब के माने होता है ह्यूज, विशाल। तो चलिए दूसरा देखते हैं मीनिंग। अले, क्या होता है अले मीन्स? अले मीन्स होता है शांत करना, पेसिफाई, शांत करना, सूद, आराम देना, लाइकन, हल्का करना, एसवेज, मना लेना, मिटिगेट, कम करना, शांत करना। तो अले कैसे याद करेंगे? अले जैसे माँ अपने बच्चे को छुपाती है, अरे अरे बेटा चुप हो जा, तो उसी से याद कर लीजिए अले। अले माने शांत करना, बच्चे को माँ छुपाती है, अरे अरे बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, तो बच्चे को शांत कराती है। तो उसी तरह से याद करिए अले। अले माने शांत करना, पेसिफाई, शांत करना, सूद, शांत करना, आराम देना, लाइटन, हल्का करना, कम करना, एसवेज, मना लेना, मिटिगेट, कम करना, शांत करना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो एडामांट, एडामांट माने होता अटल, अडिग, जिद, यानी जिद्दी होना, अटल होना, अडिग होना, एटुरेट, जिद्दी, इनफ्लेक्सिबल, जो
नचे ना जो झुके ना स्टबर्न जिद्दी रिजिड सख्त तो क्या होता है डमांड माने जो अटल रहे जो किसी के प्रति झुके ना एक्यूरेट जो जिद्दी हो जो झुके ना जिसमें लचीलापन ना हो इनफ्लेक्सिबल स्टबर्न रिजिड जो सख्त हो जो किसी के प्रति झुके ना जो बहुत ही जिद्दी हो। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं तक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।